नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग कॉलम फुटिंग और कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। आज हम बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम फुटिंग एंड कॉलम। तो सबसे पहले अपने को बार बेंडिंग शेड्यूल का जो फॉर्मेट है वो समझ के लेना पड़ेगा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, बार नंबर्स, बार डायमीटर, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, और ये जो बार डायमीटर है 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, तो इसका एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला हम अगर डालेंगे तो वो पर्टिकुलर वो लेंथ में वो बार का कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ जाता है। जैसे ही देखिए, इफ़ इन द रिकॉर्ड G19 मतलब टोटल कटिंग लेंथ, कॉमा, इसके बाद E19 मतलब ये डायमीटर ऑफ बार, E19 इज इक्वल टू H19, अगर ये 6 mm का है, अगर इसमें 6 mm है तो ब्रैकेट कंप्लीट डबल ब्रैकेट इनटू G19 मतलब टोटल कटिंग लेंथ। अभी इधर 6 mm का नहीं है, 12 mm का है, तो इधर ये एप्लीकेबल होता है। इफ G19 मतलब ये इज इक्वल टू सॉरी कॉमा इनटू E19 मतलब ये 12 mm इनटू इज इक्वल टू K5 मतलब ये आपका के मतलब जो डायमीटर है 12, तो ये 12 का आएगा, तो इनटू G19 मतलब अपना आ गया घी। तो उस हिसाब से ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला से अभी ये अभी इसमें 12 mm है, इसलिए 12 mm का लेंथ इधर आ गया। जिधर 8 mm है उधर 8 mm का आता है, इधर 16 आ गया, इधर 16 आ गया, इधर 20 है, इधर 20 आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, इससे आप दे सकते एक इसे डायरेक्ट आप बार बेंडिंग शेड्यूल टोटल एक्सेल में निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉलम फुटिंग का। इसमें अभी कॉलम फुटिंग का एक दिया है, देखिए 1.2 by 1.5 और कॉलम है 0.3 by 0.4, और ये सेक्शन में दिया है देखिए 1.5 मीटर, इधर डायमीटर दिया है ए और बी, दो टाइप के डायमीटर दिए। तो मेन बार डायमीटर है 12 mm का है, 150 cm to cm, ये जो ए बार है ये इसमें भी दिख सकता है, देखिए ए बार 12 mm सेक्शन में 150 cm to cm। तो उसमें अभी नंबर ऑफ बार्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ बार्स कैसे आएंगे, ये टोटल लेंथ है अपना 1.5 डिवाइड माइनस दोनों साइड का कवर 0.05 डिवाइडेड बाई 150 1.2 प्लस 1, तो ये टोटल नंबर्स आ गए, ये 12 mm डायमीटर है। और कटिंग लेंथ कैसे आ गया, ये 1.2 ये लेंथ है माइनस दोनों साइड का कवर 0.05 प्लस 0.1 मतलब जो ऐड किया है लेंथ प्लस 0.1 प्लस 0.1 मतलब दोनों साइड का ये आएगा 0.1 माइनस 2 इंटू ये दो बेंड है इसलिए 0.012 दोनों साइड का 2D दोनों साइड से माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 1.252 और टोटल कटिंग लेंथ आ गया F मतलब ये इनटू D मतलब नंबर ऑफ बार्स इनटू कटिंग लेंथ इनटू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो ये टोटल कटिंग लेंथ आ गया। ये एज फॉर्मूला के हिसाब से इधर आ गया, अभी मैंने जो आपसे बात किया था उसके हिसाब से। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार बी, इसमें नंबर्स कितना आएंगे, 1.2 माइनस दोनों साइड का कवर 0.05 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1 मतलब 9 बार आएंगे। इसका कटिंग लेंथ कैसे आएगा, 1.5 मतलब ये डायरेक्शन में ये 1.5 माइनस दोनों साइड का कवर 0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.1 ये जो एल है 0.1 माइनस 2D मतलब 2 × 0.012 माइनस 2 × 0.02, इस हिसाब से 1.552 आ गया। इस हिसाब से फुटिंग का ये बार और ये बार दोनों बार का लेंथ निकल गया। अभी हम कॉलम की बात करेंगे, 0.3 by 0.4 का कॉलम है, इसमें 4 नंबर 20 mm डाया के हैं और 4 नंबर 16 mm डाया के हैं, और रिंग जो है या स्टेरप्स जो है 8 mm 150 cm to cm है। तो इस हिसाब से देखेंगे आप। अभी वर्टिकल बार 4 नंबर 20 mm का डाया के हैं, अभी हमने 5 मीटर लेंथ कंसिडर किया है,
पाँच मीटर में माइनस 0.05 नीचे का कवर गया, माइनस एक बेंड एल है तो 0.012 प्लस 0.3 मतलब 0.3 जो है वो बेंड है, इस हिसाब से 0.5.226 सेम 16 mm का भी, चार नंबर का भी सेम आएगा, 5 माइनस 0.05 माइनस 0.012 माइनस 0.012 2D माइनस प्लस 0.3 ये 5.226। अभी स्टीरअप्स, स्टीरअप्स का साइज ऐसा आएगा 0.22 0.32, तो स्टीरअप्स का नंबर्स कैसे आएगा, 5.3 माइनस कवर 0.05 डिवाइडेड बाय 150 सेंटर टू सेंटर है प्लस 1 36 नंबर्स आ गए, 8 mm आया है। अभी इसका कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, तो 2 × 0.32 प्लस 0.22 प्लस 18D, क्योंकि ये टोटल हम टोटल इसका 9D लेते हैं, इसका 18D दो हो गए, तो 2 × 0.32 प्लस 0.22 प्लस 18 × 0.08 मतलब 1.08 प्लस 0.16 1.26, ये इसके हिसाब से ये टोटल इसका कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ इतना आ गया, तो ये 8 mm के इसमें आ गया। इस हिसाब से ये कॉलम और कॉलम फुटिंग का टोटल हम इधर टोटल किया है, टोटल समेशन सबका, सबका समेशन टोटल कितना आ गया, उसके बाद उसका वेट, वेट कितना कितना है केजी पर रनिंग मीटर, केजी पर रनिंग मीटर सबका डायमीटर का दिया है, तो उस हिसाब से ये अभी 8 mm, ये 12 mm, 16 mm, ये देखिए 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, तो ये टोटल वेट आ गया अपना 126.942 kg, ये kg में निकाला है। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये BBS बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।